नैनीताल पुलिस डिजिटल मोड को लगातार बढ़ा रही है। ट्रैफिक के चालान हो या अन्य चालान, ऐप और ई चालान के माध्यम से नैनीताल पुलिस द्वारा डिजिटल पुलिसिंग को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो जनवरी से मई तक 15,000 ई चालान कर 60 लाख रुपए का बड़ा जुर्माना वसूल किया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस के ट्रैफिक आई ऐप द्वारा भी बड़ी संख्या में चालान किए गए हैं, जिसमें डिजिटल माध्यम से ही राजस्व वसूली भी की गई है। एसपी ट्रैफिक जगदीश चंद्र ने बताया कि नैनीताल पुलिस डिजिटल माध्यम से ट्रैफिक के नियमों को लागू करने के साथ ही यातायात उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई कर रही है। इसे और अधिक डिजिटलाइजेशन करने की कार्रवाई की जा रही है। नैनीताल ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो आधुनिक जो ऐप्स हैं और जो इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है चालान की कार्रवाई में, इसमें अभी तक जनवरी से मई के अंतिम तिथि तक लगभग 15,000 चालान जो हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में किए गए हैं, ई चालान किए गए हैं, और लगभग 60 लाख रुपए की जो धनराशि संयोजन शुल्क के रूप में जमा कराई गई है राजकोष में। इसके अलावा जो उत्तराखंड पुलिस ऐप है उसमें ट्रैफिक आई ऐप है, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति चालान कर सकता है, उसके थ्रू भी चालान किए जा रहे हैं। इस ढंग से जो यातायात पुलिस है पूरे प्रदेश में और नैनीताल जनपद में खासकर इलेक्ट्रॉनिक मोड को बढ़ावा दे रही है, चालान करने के लिए लोगों को पैसा जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हमने अपने जितने भी CPU के चाहे टीमें हों या यातायात पुलिस की टीमें हों, इवन थानों में भी कार्ड स्वैपिंग की मशीनें दी हैं और बैंकों से उनका टाई अप हुआ है, तो इस मोड को लगातार यातायात पुलिस बढ़ा रही है।